प्रातः क्लास चल रहा था चौदह नौ 1968 शनिवार को। पहले पेज की मध्य में बात चल रही थी साक्षात्कार की। साक्षात्कार में देखते हैं कि उड़ गए, यहां से उड़ गए देखने में आता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर जो साक्षात्कार किया वो समझ में तो आता नहीं है। अब ये तो सभी समझते हो कि आत्मा इस शरीर में है और यहीं निवास करती है, बस वो समझा जाता है कि आत्मा है जरूर, जीव और आत्मा। अब ये जीव तो देखो कितना बड़ा है, जो जीव है वो छोटे से ही बड़ा होता जाता है, ठीक है ना। अभी आत्मा तो न छोटी होती है न बड़ी होती है, ये बात तो पक्की याद कर दियो, अच्छी तरह से समझ लियो कि शरीर छोटे से बड़ा होता है, कितना लंबा चौड़ा हो जाता है, और आत्मा तो आत्मा ही है। सिर्फ आत्मा में क्या होता है, आत्मा ही पावन बनती है और आत्मा ही पतित बनती है। देखो गाया जाता है ना, हे पतित आत्मा हे पावन आत्मा, तो फिर बाप को भी बुलाते हैं, हे पतित पावन आत्माओं को पावन करने के लिए आओ, तुम बुलाते हैं ना उनको, पतित पावन आओ। तो ये सभी हैं भक्ति सीताएं और वो है राम। ऐसे समझाने में कहा जाता है, बाकी कोई राम उनको नहीं कहेंगे, समझाने के लिए कहा जाता है कि तुम सब भक्ति हो, माने सीताएं हो, ब्राइड ग्रूम हो, और वो है ब्राइड ग्रूम सबका, वो एक ही है, समझा ना। तो उन्होंने सबको ब्राइड ग्रूम बनाई दिया, ब्राइड के बदले में, क्योंकि वो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, यानी जो ब्राइड ग्रूम है वो सभी ब्राइड्स में प्रवेश करते। अभी ऐसे तो नहीं हो सकते हैं ना, जो बाप आके समझाते हैं, इसलिए यही समझने से तुम्हारी ये हालत हो जाती है। तो बाप आकर कहते हैं कि देखो गिरते 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 ये बातें करते करते, पाप करते करते, ग्लानी करते करते क्या हाल हो गया। एक तो पाप करते हो, ग्लानी करते हो, डिफेम करते हो यानी निंदा करते हो,
और बहुत भारी निंदा करते हो। किसी की? ऊंचते ऊंच बाप की, कहो बेहद के बाप की। कभी बच्चे कोई बाप की ग्लानी करेंगे क्या? हाँ भले बिगड़ेंगे, आजकल तो बिगड़ते हैं। कुत्ते का बच्चा, फलाने का बच्चा बाप को भी गाली देना शुरू कर देंगे, हराम ज्यादा। ये हो वो हो, शैतान हो, कोई काम नहीं होते हैं। बाकी ये तो है बेहद का बाप, और ये आत्मा ही बेहद के बाप को ग्लानी करती है। ग्लानी करती है कि बाबा तुम ठिक्कर में हो, बाबा तुम कच्छ का बच्चा हो, मच्छ का बच्चा हो, फलाने का बच्चा हो। ऐसे कहते हैं ना, कच्छा बतार मच्छा बतार। तो जैसे कि बच्चे बाप को गाली देते हैं, 14/9/1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, तीसरी लाइन। रूहानी बच्चे रूहानी बाप को गाली देते हैं, तो उसको ग्लानी कहा जाता है। तभी गाते हैं ना, और बाप आके कहते हैं ना, जब जब भारत में ग्लानी होती है इस धर्म की, समझा, मैं हूं ना ये धर्म स्थापन करने वाला। और फिर देवी देवता धर्म था देवताओं का, ऐसी कभी कोई किसको ग्लानी नहीं करते हैं। नहीं, ऐसे कभी नहीं बताते। कहते हैं कि कृष्ण भिखारी था और भगाते थे, ये करते थे, या गोपियों के चीर उठाते थे। अरे बहुत भूले हैं ये सभी। ग्लानी है ना बच्चे। ये कहते हैं मक्खन चोरी करते थे, अभी उनको मक्खन वक्खन की क्या दरकार रहती है, वहां उनको इसकी कोई दरकार है? तो अभी इतना समय बाप से बिछड़े हो, समझा ना, बेहद का वर्षा देता है, वो तो ठीक है भाई। 21 जन्म तुम सदा सुखी रहते हो, और ये बाप खुद कहते हैं, बच्चों मैं आए करके तुमको पावन बनाता, और उनकी पावन बनाने की रस्म बड़ी अच्छी दी है, बहुत सहज। कहते हैं अपन को आत्मा तो समझते ही हो, और बाप को बाप समझते ही हो। वो बाप है पतित पावन, और उस पतित पावन बाप की महिमा बहुत बड़ी है, सर्वशक्तिवान, क्योंकि बाबा तो अथॉरिटी है ना। अभी अथॉरिटी का अर्थ क्या है? जैसे ये साधु संत महात्मा है ना, तो इनको कहा जाता है शास्त्रों की अथॉरिटी। शंकराचार्य को कहेंगे शास्त्रों की अथॉरिटी,
तो शास्त्र की अथॉरिटी, क्योंकि सभी शास्त्र वेद उपनिषद है, ऐसे ही उनको अहंकार रहता है। जो आपस में शास्त्रवाद करते हैं, ये बात तुम लोगों को तो मालूम है ना कि शंकराचार्य शास्त्रार्थ वगैरह करते हैं। कि बनारस में जाते तो बहुत पहले पढ़े वाले होते हैं, वहां जाकर के उनके शास्त्रों की, किसी ने कहा शास्त्रार्थ करते हैं, हाँ शास्त्रार्थ करते हैं, संस्कृत में भी है ना। बस ऐसे ही जैसे ये सभा है, सभा मिल जाती है और वो वहां बैठ जाते हैं, ये बोलते जाते हैं और वो अर्थ करते जाते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है, वो बोलेगा इसका अर्थ ये है, वो बोलेगा इसका अर्थ ये नहीं है, उसको कहा जाता है शास्त्रार्थ। अच्छा फिर भी तो होशियार ही होते हैं ना जरूर, फिर भी मान देने के लिए, क्योंकि मान तो रहता ही है ना उनका, पीछे मान दे करके पीछे 21-21 रुपया हरेक जो शास्त्रार्थ करते हैं। देखो भवका कितना होता है, सभी जाते हैं, तभी 5, 7, 8 तो मोटरें होंगी, आगे सिपाही बंदूकों से पहरे वाले मोटरों में होंगे, समझे ना, और खजाना भी उनके साथ में होगा, तभी इनकी पलटन निकलती है शंकराचार्य। अब देखो शिवाचार्य उनकी काहे की पलटन वलटन, भाई बाबा का कुछ थोड़े ही है। अभी सभी वेदों ग्रंथों शास्त्रों का सार समझाते हैं, अभी है इसमें प्रवेश करता है, इसमें अभी वो अगर अगर भबका दिखलावे तो पहले तो इसको भबका चाहिए। तो वो बोलता है देखो मैं तो हूं सर्वेंट तुम बच्चों का, मैं इनमें देखो तभी तो इनको बाबा दादा यानी दो है ना, बाप इसमें प्रवेश करके बच्चों को ये समझाते रहते हैं कि बच्चे अभी तुम पतित बन गए हो, ये तो जानते हो कि तुम पावन थे, 84 जन्म के बाद तुम पतित बने हो, ये बात तो ठीक है ना, इसको पतित दुनिया कहा जाता है ना, और पावन दुनिया तो सतयुग को कहा जाता है, देखते तो हो बरोबर सतयुग में ये राज्य करते थे लक्ष्मी नारायण। अभी पावन पतित बन गए हैं,
जरूर देखो है ना। तो इनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती, क्योंकि नई दुनिया रिपीट कहा जाता है। तो अभी ये जो थे और 84 जन्म इन्होंने भोगे हैं, फिर उनको बैठ करके पढ़ाते हैं, सत्व प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। तो सर्वशक्तिवान भी है और अथॉरिटी भी है, क्योंकि सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों का सार ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। चित्रों में भी देखते हो कि बरोबर ब्रह्मा को दिखलाते हैं कि वेदों के शास्त्र हाथ में होते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा अभी शास्त्रों वास्त्रों की तो कोई बात ही या नहीं है, न बाबा के पास कोई शास्त्र है, न इनके पास शास्त्र है, और ना तुम बच्चों के पास कोई शास्त्र है। नहीं, तुमको नई नई बातें सुनाते हैं। ये जानते हैं कि ये सब बच्चों, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। तो ये जो गीता मैं सुनाता हूं ना, सो भी मैं यहां और ली बैठ करके इनके मुख के द्वारा तुमको सुनाता हूं। मैं कोई गीता पढ़ता नहीं हूं, नहीं, मैं ये गीता का ज्ञान अर्थात राजयोग तुमको बैठ करके सिखलाता हूं, जिसका नाम पीछे पड़ता है राजयोग। गीता रख दिया है मनुष्यों ने भक्ति मार्ग के लिए। 14/9/1968 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज, तीसरी लाइन। बाकी मैं तुमको गीता नहीं पढ़ के सुनाता हूं। तो तुम्हारे पास कोई गीता है क्या? मेरे पास कोई गीता है? नहीं, हम गीता ऐसे नहीं पढ़ाते हैं जैसे ये आपन को अथॉरिटी समझ करके संस्कृत में फिर उनका अर्थ वगैरह वगैरह है ना। संस्कृत में अध्याय है, श्लोक हैं, फिर उनका अर्थ नहीं। वो बातें यहां कुछ नहीं है। पढ़ाई में कोई अध्याय और श्लोक और संस्कृत है और उसका अर्थ है वगैरह थोड़े ही होते हैं। नहीं, ये मैं बैठ करके तुम बच्चों को पढ़ाता हूं और हू बहु कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा, और हर 5000 वर्ष आके पढ़ाता हूं, और उसमें भी बस एक पाई पैसे की जैसे बात सुनाता हूं, जो तुम आत्मा तो समझते ही हो ना, अपन को, सभी अपन को आत्मा समझते हो कि नहीं समझते हो? शरीर समझते हो क्या? शरीर तुम्हारा मिट्टी हो जाता है, आत्मा कोई मिट्टी थोड़े ही हो जाती है? नहीं, इसलिए ये होलिका जो कोकी वो की बनाते हैं ना, बना करके धागा में पिरोते हैं, तो आत्मा का धागा बनाते हैं। आत्मा कभी जलती नहीं,
शरीर जल जाता है, कोकी सारी जल जाती है। तो शरीर तो देखो जन्म भाई जन्म घड़ी घड़ी जलता है, तो तुम देखते हो, क्योंकि आत्मा को शरीर से काम करना है, फिर भोग शरीर खत्म हो जाता है, फिर दूसरा शरीर आत्मा नया शरीर लेती है। बोलता है मैं तो ऐसे नहीं करता हूं, मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं, बाकी मैं आता भी हूं। और ये बेचारे भक्त लोग तो ये भी नहीं जानते, मानते हैं कि शिवरात्रि है, नहीं तो होना चाहिए शिव जयंती, परंतु जयंती कहने से जन्म हो जाता है माता के गर्भ से, तो जयंती तो साकार की मनाई जाती है ना। तो उनके द्वारा कहा जाता है शिवरात्रि। ये भी तो बाप ने अर्थ समझाया ना कि जयंती माना जन्म लिया, वो कहते हैं मैं शिव शिव हूं, आता हूं रात्रि को। अरे भाई बाबा कौन सी रात्रि, आपकी बड़ी रात्रि कौन सी है? बोला मेरी रात्रि है ये जो कलयुग होता है ना, द्वापर और कलयुग, ये सारी रात्रि है, क्योंकि इसमें मेरे को ढूंढने के लिए पत्थर पहाड़ ठिक्कर भित्तर यहां वहां ढूंढते ही रहते हैं। तो मैं कोई इनमें बैठा हुआ थोड़े ही हूं, ठिक्करों में भित्तरों में पत्थरों में या इन चित्रों वित्रों मूर्तियों में थोड़े ही बैठा हूं जो मुझे जा करके ढूंढते हैं। देखो चित्र कितने बनाए हुए हैं, किसके पास जाते हैं, इनमें होगा इनमें होगा इनमें होगा। अच्छा कहीं नहीं मिलता तो कहते हो सर्वव्यापी, तो तुम में है मेरे में भी है। अरे जब तुम में मेरे में भी सब में है तो धक्का क्यों खाने जाते हो? भाई व्यास जी महाराज जट जंगली बाप ऐसे ही कहेंगे ना, जैसे कि जंगली बन जाते हैं। देवता से देखो कैसे असुर बन जाते हैं, आसुरी संप्रदाय कहेंगे, ये तो आसुरी संप्रदाय है ना, है देवताएं कभी शराब पीते होंगे क्या? यानी वो आत्माएं कभी शराब पीते होंगे क्या? अभी वो ही आत्माएं कितनी गिरी हैं, तो देखो शराब पीते हैं, और फिर बाप पिछाड़ी में कहते भी हैं बच्चे अब तो ये विनाश होने का जरूर है, जरूर कभी तो होगा ना, तो विनाश तो जरूर होगा।
क्योंकि पुरानी दुनिया है तो विनाश तो होगा ना, क्योंकि पुरानी दुनिया में अनेक धर्म है और जो नई दुनिया है उसमें तो एक धर्म। तो ये तो समझते हो, ये तो तुम्हारी बुद्धि में है ना, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि सालिम बुद्धि है। तो वो एक था, फिर बहुत हुआ, फिर एक बनना पड़ेगा। नई दुनिया में एक धर्म था ना, फिर पुरानी दुनिया में बहुत धर्म हो गए, तो फिर बहुत भी होगा। देखो नंबरवार बहुत ही आते हैं, ये बात भी तो समझते हो ना। तो बाप भी आकर के खुद समझाते हैं। ओम शांति।